सिटी कोतवाली में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी हैं उनकी लगातार धरपकड़ भी की जा रही है और जो शहजाद अली है उनके जो बिल्डिंग हवेली बनी हुई थी आलीशान, उसको भी पुलिस प्रशासन के द्वारा धराशाही भी किया गया है। और हम सबसे सीधी चर्चा करेंगे कि अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और किस तरह से चिन्हित किए जा रहे हैं। जो फरार आरोपी हैं क्या उनके पुराने रिकॉर्ड भी हैं, किस तरह से गंभीरता से खंगाले जा रहे हैं। सर अब किस तरह से सर अपडेट है और जो फरार आरोपियों की तलाश में लगातार सीसीटीवी और भी जो जो भी वीडियो फुटेज हमें मिल रहे हैं उनको देख करके लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी निर्दोष पर कार्रवाई ना हो, लेकिन जिन्होंने उपद्रव किया है उनको छोड़ा भी ना जाए। तो इस आधार पर अभी 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आने वाले समय में और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं, जिनके रिकॉर्ड होंगे उन पर और सख्त NSA और जिला बदर संबंधी कार्रवाई भी प्रचलन में लाई जाएगी। अभी कल जिन लोगों के लाइसेंस थे और वो भी अपराध में शामिल थे तो उनके लाइसेंस भी निरस्त कराए गए हैं। सर जो हाजी शहजाद अली हैं वह फरार हैं सर, तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? और सर वीडियो वह वायरल करके अपनी बात रख रहे हैं, तो निश्चित एक चुनौती भी सर पुलिस को सर दे रहे हैं कि वीडियो वायरल कर रहे हो गिरफ्तारी से। हाजी शहजाद और उनके साथ अन्य और भी आरोपी जो इस मुख्य घटना में शामिल थे उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है, कई टीम बनाई गई हैं और हमें उम्मीद है कि हम शीघ्र ही सबकी अरेस्टिंग करेंगे। तो लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और SP अगमजन सर ने कहा है कि जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और अपराध करने वालों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। पेप्टिक टाइम के लिए संजय अवस्थी छतरपुर।